हिंडनबर्ग के भंवर में फंसकर जहां गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं अडानी की कंपनियों के शेयरों में निवेश LIC को भारी पड़ रहा है। अडानी के शेयरों में जारी गिरावट के चलते बीते महज 50 दिनों में ही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। LIC ने गौतम अडानी की कंपनियों में भारी भरकम निवेश किया हुआ है। 31 दिसंबर 2022 को बीमा दिग्गज का निवेश मूल्य 82,970 करोड़ रुपए था, जो 23 फरवरी 2023 तक कम होकर 33,242 करोड़ रुपए रह गया। इस हिसाब से देखें तो LIC को इन 50 दिनों की अवधि में 49,728 करोड़ रुपए का झटका लगा है। एक महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद तो घाटा तेजी से बढ़ा है। बीते 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें शेयरों के हेर फेर और कर्ज को लेकर बड़े दावे किए गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयरों में जो गिरावट आई, उसके चलते अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 12 लाख करोड़ रुपए कम हो गए और ये 100 अरब डॉलर के नीचे जा पहुंचा। LIC के निवेश वाले सभी शेयरों में जो गिरावट 25 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी, वो सिलसिला अभी भी जारी है। बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये घाटा बढ़ता है या फिर इससे उबरने में कामयाबी मिलेगी। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।